पाकिस्तानला अद्दल घडवण्यासाठी आता उशीर करू नये, वेळीच बदला घ्यावा असं म्हणवत एमआयएमचे शहर अध्यक्ष तौफिक शेख यांनी व्यक्त केलं आहे. एमआयएमच्या वतीनं सात रस्ता परिसरामध्ये पाकिस्तानच्या भ्याड हल्ल्याचा तीव्र धिक्कार करण्यात आला. पक्षाचे शहराध्यक्ष नगरसेवक तौफिक शेख यांच्या नेतृत्वाखाली पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी पाकिस्तानच्या विरोधामध्ये जोरदार नारेबाजी केली. जवानांवर झालेला हल्ला म्हणजे संपूर्ण भारतावरच हा आघात असून जशास तसे उत्तर द्यावे लागेल अशी प्रतिक्रिया शहराध्यक्ष तौफिक शेख यांनी व्यक्त केली. कल जम्मू काश्मीर मे पुलवामा गाव मे जो आतंकवादी हमला हुआ उस हमले का जिन संगठनाने जानलेवा हमला किया एमआयएम पार्टी जानिब से हम उसका निषेध करते और हमेशा एमआयएम पार्टी हक का सच्चाई का साथ देती है, जात पात नहीं देखती. भारत देश हमारा मुल्क है, हम इस देश के नागरिक है और मुसलमान हमेशा से वफादार रहे, वफादार है. जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ हमारे कई उलमा ने अपनी जान की आहुति दी, बलिदान दिया और इंशाल्लाह वक्त पड़ने पर जब सीमा पर जरूरत पड़ेगी तो एमआयएम पार्टी मुस्लिम समाज हमेशा अपने देश के हित में रहेगा और अपनी जान की हम कुर्बानी देंगे देश के लिए, सच्चाई के लिए. तो जो कश्मीर में जो हमला हुआ है ये भैड़ हल्ला है ये, और उसका एमआयएम पार्टी की तरफ से, शोलापुर एमआयएम पार्टी की तरफ से हम तीव्र निषेध करते हैं. नंबर वन. नंबर दो ये है कि इस्लाम ये कहता है कि एक बेगुनाह को, इंसान को मारना पूरे इंसानियत को मारना है. यहाँ तो 40 लोग शहीद हो गए हैं जिन लोगों ने भी ये हरकत की है. इसको जो ना अल्लाह ताला की तरह से हम लानत भेजते हैं ऐसे लोगों पर और ऐसे संगठनों पर. काल CRPF के 40 जवान पुलवामा जिल्ह्यामध्ये शहीद झाले आणि या ठिकाणी तिथे जैश ए मोहम्मद या अतिरेकी संघटनेनं त्याची जबाबदारी स्वीकारलेली आहे. त्या दहशतवादी संघटनेचा एमआयएम पार्टी हा निषेध करते आणि प्रत्येक दहशतवादी हा भारताच्या विरोधातील आहे आणि या देशा जो दुश्मन आहे तो आमचा दुश्मन आहे, या प्रत्येक नागरिकाचा दुश्मन आहे. म्हणून या ठिकाणी एमआयएम पार्टी या दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र निषेध व्यक्त करत आहे. काल जे काश्मीरमध्ये जे हल्ला झाला त्यात कमीत कमी 42 जवान 42 जवान शहीद झाले. त्यांचा आम्ही शहीद जवान अमर रहे आणि जे हल्ला झाला त्याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो, एमआयएम पार्टीचा निषेध करतो. एमआईएम पार्टी की तरफ से, सोलापुर एमआईएम टीम की तरफ से जब जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ उसका निषेध किया जा रहा है. इस निषेध में हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार जिस तरह से नाकाम है और हिंदुस्तान पर हमारे सैनिकों पर जो हमले हो रहे हैं इस पर ना रोक लगी और ना कुछ, सरकार इसमें सक्सेस हुई और यहाँ से जितने भी लोग मरे, जो हमारे हिंदुस्तान के शहीद नौजवान हैं और हमारे जो जवान मरे हैं, हम बस उनके लिए इतनी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके घर वालों को सबर दे. वीरगति प्राप्त झालेल्या जवानांच्या कुटुंबियांच्या दुःखामध्ये एमआयएम सहभागी आहे. जवानांचं बलिदान व्यर्थ जाणार नाही असंही ते म्हणाले. यावेळी नगरसेवक गाझी जागीरदार, अजहर हुंडेकरी, समीउल्लाह शेख, सादिक नदाफ, नसीम खलीफा, सिद्दीकी उस्ताद, मुल्ला यांच्यासह एमआयएमचे पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.